दिस इज जेपी रॉय। तो गाइज आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है हर्ट, जैसा कि आपने हमारे पोस्टर में देखा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हर्ट को, तो जो हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि पूरे बॉडी में एक आध ही ऐसे ऑर्गन होते हैं जो फुली मस्कुलर होते हैं, उनमें से एक हमारा हर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो ये हमारा हर्ट होता है क्या करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को प्योरीफाई कर लीजिए या पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो हमारा हर्ट होता है वो जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में। अब यहाँ से एक शब्द आया ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड से आप क्या समझते हैं, मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब क्या है जो हमारा हर्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड में क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ब्लड में तो हमारा न्यूट्रिएशन आ जाता है, ठीक है। न्यूट्रिएशन में कह लीजिए कि जितने साले हमने पिछले वीडियो में देखा कि ऑब्जॉर्प्शन में, एसिमिलेशन में, कि जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे थे, जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट थे जो हमारे डाइजेशन के बाद, वो कहाँ मिल रहे थे, ब्लड में। अब जब ब्लड में न्यूट्रिएशन हो गए और ऑक्सीजन हो गए तो वो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब यही न्यूट्रिएशन और ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचाता है, ठीक है, कि हमारे पहुंचाता है हमारे ये एओर्टा के थ्रू पहुंचता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा पंप करता है ब्लड इसको। अब ये हो गया, इसी के कारण पूरा बॉडी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कर पाता है, जिसके वजह से सर्वाइव कर पाता है। अब मैं बात करूँ कि एक्चुअल अगर साइंस की मैं बात करूँ तो कुछ लोग आज के आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरह से हर्ट को बना देते हैं, कुछ इस प्रकार से लाल पीला हल्ला, ऐसा कोई हर्ट होता है क्या, वो तो लव वाला हर्ट है। यहाँ पर अगर रियल ह्यूमन हर्ट की मैं बात करूँ तो बंद मुट्ठी की तरह है, कुछ इस प्रकार से हमारा हर्ट दिखता है, देख लीजिए ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारा हर्ट हो गया। अब इसका हर्ट की लोकेशन की मैं बात करूँ तो लंग्स के बीच में पाए जाते हैं, चेस्ट के एक कंपार्टमेंट होता है जिन्हें हम लोग मीडिया स्टिपन के नाम से जानते हैं, उसी कंपार्टमेंट में जो हमारा हर्ट होता है वो लोकेटेड होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि जो हमारे इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम्स होंगे, कुछ आर्टरी होंगे, कोई वेन्स होंगे, कोई नर्व्स होंगे, जो इसको क्या करता है, यूनिक पहचान देता होगा, आइडेंटिफिकेशन देता होगा। तो मैं अगर बात करूँ कि सिस्टम के, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात है। आपके सर्कुलेटरी में जब ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र कीजिएगा तो हर्ट और ब्लड ही आएगा, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं कि आर्टरी की बात करूं तो यहाँ पर हमारे एओर्टा पाए जाते हैं, परमली ट्रंक पाए जाते हैं, परमली आर्टरीज पाए जाते हैं, ठीक है, और राइट कोरोनरी आर्टरीज पाए जाते हैं, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरीज पाए जाते हैं, ये कुछ हमारे आर्टरीज है। अगर नर्व, अब हम बात करते हैं वेन की, अगर बात करें तो सुपीरियर वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा है, परमली वेन्स है, ठीक है, और ग्रेट कार्डिक वेन्स है, स्मॉल कार्डिक वेन है, मिडिल कार्डिक वेन है, और साथ ही साथ में एंटेरियर कार्डिक वेन है। ये जो हमारे थे ये वेन्स थे। अब इसमें कुछ ना कुछ नर्व्स पाए जाते हैं, इनमें एंग्रियल नर्व्स पाए जाते हैं और वेनल नर्व पाए जाते हैं। ये हमारे जो हर्ट के थे कुछ मेन आइडेंटिफिकेशन का काम कर रहे थे, जो कि एक सिस्टम से कनेक्टेड है। ये बात करते हैं कि जो हमारा हर्ट होता है उस सभी में डिफरेंट होता है क्या। यहाँ पर कुछ कॉमनली ऐसे होते हैं जैसे मेमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए और बर्ड हो गए, इनमें जनरली चार हर्ट चैम्बर होते हैं। यहाँ पर चार हर्ट चैम्बर की बात करूँ तो ये दो मेनली होती है, एक लेफ्ट हर्ट एक राइट हर्ट, दोनों में आर्ट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं। आर्ट्रियम हमें ऊपर वाले रीजन में देखते हैं और नीचे वाले में वेंट्रिकल होते हैं। तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल्स हो गए इस साइड में, ठीक है, और सेकेंड की मैं बात तो लेफ्ट आरटीएम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर आरटीएम और वेंट्रिकल से कुछ समझना नहीं है, आर्टिकल एक रिसीविंग और चैम्बर की तरह वर्क करता है, ठीक है, इसको डिटेल्स में जानने वाले हैं। और जो वेंट्रिकल होता है वो पंपिंग करने का काम करता है और उसको ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स की तरह ब्लड को फेंकता है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जो हमारे ब्लड होते हैं उनको अगर प्रेशर के बारे के, मतलब आपको छप से मुरी कट गया, अचानक से कट गया, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो ब्लड का फ्लो होगा 30 फीट तक जा सकता है। सोचने वाली बात है, 30 फीट तक आपका ब्लड का फ्लो, इतना प्रेशर होता है भाई, जा सकता है। लगभग एक मिनट में हमारे ब्लड पूरे शरीर में पहुँच जाता है। हम बात करें, अगर हम ईयर को लेते हैं भाई, ईयर को लेते हैं तो क्या आपको लगता है कि जो हमारा ईयर होता है वो हमारे ब्लड में पूरे हमारे अथी में जा रहा है, पूरे हमारे स्किन में जा रहा है, यहाँ भी हमारा ईयर आ रहा है, तो आप गलती है, हम तो ईयर के लिए, अब हमारे लंग्स तक ही तो जा रहा है, लंग्स में ही तो डिफ्यूजन हो रहा था, याद कीजिए वहाँ रिस्पायरेशन में, ठीक है, और वो डिफ्यूजन ब्लड के थ्रू हो रहा था, ठीक है, ब्लड में आरबीसी हो रहा था, ऑक्सी आरबीसी बन रहा था वहाँ पर, याद कीजिए, और ये सब हमारे मिल के हमारे यहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचता है भाई। सभी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तभी तो फूड बनाएगा,
ए हो गया। अब आइए, एक टॉपिक से अलग था, अब यहाँ पर बात करने वाले कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनका हार्ट चैम्बर वैरी करता है। जैसे कॉकरोच के ही ले लीजिए आप, कॉकरोच का हमारा होता है 13 हार्ट चैम्बर, ठीक है। वहीं अगर मैं फिश की बात करूँ तो 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, रेप्टाइल्स 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये हार्ट को आप ध्यान से देखिए, और इसको जो सबसे लास्ट वाला, सबसे पहले वाला जो लेयर होता है ना, ये हमारा पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। और ये जो जनरली होता है डबल मेम्ब्रेन होता है। अब डबल मेम्ब्रेन है तो दो लेयर होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मैं यहाँ फर्स्ट हमारा है फाइब्रस पेरिकार्डियम, सेकंड है सेरस कार्डियम, ठीक है। सेरस पेरिकार्डियम, फाइब्रस जो पेरिकार्डियम है वो आउटर लेयर है, और सेरस पेरिकार्डियम है हमारा इनर लेयर है, ठीक है। और पूरे पेरिकार्डियम को, जिसे ये हमारा लेयर है, समझ लीजिए कि ये हमारा जो हार्ट है, उनको 3 भागों में जो पेरिकार्डियम है उसको डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट जो हमारा है एपिकार्डियम, जो सबसे बाहर वाला होता है, ठीक। सेकेंड में होता है मीजोकार्डियम, जो हमारा मीओकार्डियम जो होता है कि उसमें वाटर लाइक स्टार्च पाए जाते हैं, जो क्या करता है, लुब्रिकेट का मदद करता है और पंपिंग में भी मदद करता है। आप फिगर में अच्छे से देख रहे होंगे, जो लेयर होता है बीच में हमारे गैप्स पाए जाते हैं, वहाँ हमें मीओकार्डियम कहते हैं। जो अंदर वाला होता है इसको इंडोकार्डियम कहते हैं। तो ये हमारे थे हार्ट के बारे में कुछ, ठीक है। अब आइए इसमें कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो पूरे अगर मैं, ये हमारा जो वीडियो है ओवरव्यू है, इसमें आप कह लीजिए कि पूरा भी नहीं टच कीजिएगा और आधा भी नहीं टच कीजिएगा। इसमें ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे हार्ट होते हैं, मैंने 4 चैम्बर बता दिया। इसमें मैं ये भी बताया कि किस कोश का क्या काम है, रिसीविंग किसका काम है और इसको फ्लो करना क्या काम है। तो यहाँ पर दो आपको एक चीज़ नज़र आएंगे, दो वेंस नज़र आएंगे, कह लीजिए। फर्स्ट जो हमारा है वेना कावा और सेकंड है एओर्टा। ये दोनों का ही जनरली मेन फंक्शन होता है, बाकी सब इसमें से अटैचेज होते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा फंक्शन कुछ होता नहीं, लेकिन ये दो मेन होते हैं। चलिए इसमें हम लोग जानने वाले हैं, हालाँकि मैं इसका स्पेसिफिक सभी एक वर्ड का स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ। फर्स्ट की मैं बात करूँ तो वेना कावा होता है, जो हमारे पूरे ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ध्यान देने वाली बात है, वेना कावा जो होता है पूरे ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और हमारे हार्ट में लाता है। अब भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्या, ये भी क्वेश्चन है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होते। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट कैसे नहीं होते, अब मान लीजिए कि कोई भी हमारे शेयर है, कोई भी हमारे टिश्यू है, कोई भी हमारे ऑर्गन है, वो अपना मेटाबॉलिज्म वर्क किया, अब मेटाबॉलिज्म वर्क के लिए ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट होता है। अब ब्लड तो वहाँ पर गया, लेकिन सभी ऑक्सीजन को यूज कर लिया और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, ठीक है। जैसे ही रिलीज किया तो वो तो ऑक्सीजन में नहीं होगा, तो हमारा डीऑक्सी ब्लड हो जाएगा। अब डीऑक्सी जो ब्लड होता है, जनरली इसे ब्लू कलर से डिनोट किया जाता है। आप हार्ट में भी कलर कभी काल देखते होंगे ब्लू, तो ब्लू एक कन्फ्यूजन लगता होगा कि ब्लू भाई तो ब्लड नहीं होता है, तो वो बेसिकली डिनोशन के लिए ब्लू कलर जो होता है हमारा, जो डीऑक्सीफाइड ब्लड को डिनोट करता है, ठीक है। जो हमारे डीऑक्सीफाइड ब्लड होते हैं वो वेना कावा के थ्रू आते हैं हमारे हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में, जिन्हें हम लोग राइट आर्ट्रियम के नाम से भी जानते हैं। और उसमें आने के बाद वो क्या करता है, एक हमारे नर्व्स के थ्रू निकलते हैं, फिर से जाते हैं, वो तो डीऑक्सीजनेटेड है, वो हमारे फेफड़ा में जाते हैं, यूँ कह लीजिए लंग्स में जाते हैं, और वहाँ से ऑक्सीजन को लेके आते हैं। ऑक्सीजन वहाँ पर जाता है, मैंने अभी बताया कि वहाँ पर अल्वोलाई होते हैं, वहाँ पर डिफ्यूजन होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जाके आप रिस्पायरेशन देखिए, ये पूरे चैप्टर जो है ना, पूरे एक तरह से कनेक्शन की काम करता है, सीढ़ी की तरह है। आप एक वीडियो नहीं देखिएगा तो एडलिस्ट यही होगा, ठीक है। उसके बाद की मैं बात करूं कि जैसे ही ऑक्सीजन लेके आया, फिर हमारे हार्ट में उधर से लेफ्ट चैम्बर में इंटर करता है, जो कि हमारा रिसीविंग चैम्बर है, लेफ्ट आर्टियम, ठीक है। उसके बाद जैसे ही उसमें आता है तो वो पंप करता है, और पंप जैसे ही करे तो एओर्टा के थ्रू फिर से ये निकलता है, और एओर्टा के थ्रू निकलता है जो मेन ट्यूब होता है, आप इसको मोटा भी देखे होंगे, बहुत ही पंप करता है हाईली स्पीड में, इसको फटने के चलते मोटा भी रखा जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का सप्लाई करता है, ये हो गया। और इसी के लोग जनरली डीऑक्सीजनेशन का आना, लंग्स में जाना, ये हमारा सिंगल सर्कुलेशन हो गया, और फिर से हमारे लंग्स से हार्ट में आना, फिर से पूरे बॉडी में जाना, ये हमारा डबल सर्कुलेशन हो गया। इसके बारे में, हालांकि मैं इस वीडियो में ओवरव्यू था,
उम्मीद करता हूँ कि ओवरव्यू समझ में आया होगा। मैं प्रयास करूँगा कि इस वीडियो में जितने भी एक एक पॉइंट है, एक एक वर्ड है, जो कन्फ्यूजन है, मैं सभी में एक स्पेशलिस्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। आप यहाँ तक भी देख के स्किप कर सकते हैं। बहुत लोगों को मैंने यह देखा है कि मैंने वीडियो तो बनाया लेकिन उसमें एट द लिस्ट आप 2 से 3 मिनट ही देखे। आप मेरा, मैंने जब यूट्यूब का चार्ट देखा तो ज़्यादा देर आप टिकते नहीं हैं। यही कारण है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं वीडियो से। आप ज़्यादा देर टिक के तो देखिए भाई, उसके बाद में सेटिस्फाइड। और आप भी बताइए कि क्या मेरे में कमी है, मैं क्या वीडियो को और अच्छे से बना सकता हूँ। आप आइडिया दीजिए अपना, लास्ट तक एट द लिस्ट टिकिएगा तब तो कमी बुझाएगा। आप शुरू में ही भाग जा रहे हैं, ये तो गलत है ना। उसके बाद आप देखना चाहिए, पूरा आप देखिए वीडियो को, उसके बाद बताइए कि क्या कुछ छूट गया। हालांकि मैं इसमें पूरा जितना भी होता उतना कवर करने का प्रयास करता हूँ, ये हालांकि ओवर भी उठा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए सीरीज के साथ और स्पेशलिस्ट वीडियो के साथ। और आप भी टॉपिक में कुछ कह सकते हैं।